ओम शांति। आज का अवेद संदेश के क्लास का टाइटल, स्वयं को दृढ़ संकल्प रूपी धागा बांध, बाप की आशाओं को पूरा करो। 20 जुलाई 1997 का संदेश है। रक्षाबंधन निमित्त अव्यक्त बाप दादा का ये विशेष दिव्य संदेश। आज बाप दादा से मिलन मनाने गई। बाप दादा ने मीठी दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। ऐसे कहते ही बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। बस कुछ समय तो उसी अति प्यारी और न्यारी अनुभूति में लवलीन थी। बोलो, आप सब भी उस अनुभूति में खो गए हो ना? कितना अतींद्रिय सुख है उन अलौकिक दिव्य बाहों में। अस्तु, अनुभव करते हैं ना सभी बाबा की दिव्य अलौकिक बाहों में अतींद्रिय सुख की अनुभूति। कहे हाँ जी बाबा। उसके बाद बाबा फिर बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं तो उसी अनुभव में लवलीन थी। कुछ समय बाद मैं बोली, बाबा आज चारों ओर का समाचार लाई हूं। चारों ओर के बच्चों में बहुत अच्छी लहर है कि अब बाप दादा की आशाएं सब प्रैक्टिकल में पूर्ण करनी है। सब तरफ भट्टियां और तीव्र पुरुषार्थ की लहर अच्छी है। मधुबन में भी बहुत अच्छी रूहानी लहर है। वंडरफुल वायुमंडल भी बहुत पावरफुल हो गया है। साथ में क्रोध मुक्त का भी सब तरफ अच्छा अटेंशन है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, संकल्प तो अच्छा है। बाप के पास भी वायुमंडल पहुंचता है, बाबा मुबारक भी देते हैं। लेकिन इस संकल्प को सदा प्रैक्टिकल में लाने के लिए बच्चों को अब अपने मुख्य मन बुद्धि के मालिकपन की अथॉरिटी में सेंट पर्सन रहना आवश्यक है, क्योंकि मन बुद्धि ही सदाकाल अचल बनने में विघ्न डालती है। वह सदा एवर रेडी बनने नहीं देती। अब तो प्रकृति भी अपने नज़ारे रिहर्सल रूप में दिखा रही है और समय भी सूचना दे रहे हैं। तो अब पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा, बाबा अब तो राखी बंधन आने वाला है। सभी संदेश को याद कर रहे हैं। बाबा बहुत स्नेह रूप में बोले, बाप तो सदा बच्चों के लिए हाँ जी हजूर हाजिर है। और कुछ समय बाद स्नेह के सागर बाप बोले, इस बारी की राखी बच्चों को साधारण रूप में नहीं मनानी है, लेकिन पावरफुल बंधन में अपने को बांधना है। अन्य आत्माओं को तो पवित्रता के बंधन में बांधते हो, अब पहले स्व को बंधन में बांधना है, स्वरक्षक बनना है। जो भी बाप से वायदे किए हैं और जो बाप की शुभ आशाएं हैं, वह संपूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन से बांधना है। हर एक बच्चा एक दो को और अपने उमंग उत्साह की राखी बांधे कि मैं, अब बाबा पक्का कराते हैं कि हर एक बच्चे को एक दो को जब राखी बांधते हैं तो उमंग उत्साह के साथ क्या पक्का करें कि मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। मतलब मुझे संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी से शुरू करना है। कोई भी सरकमस्टेंस बड़े से बड़ा विघ्न आवे, लेकिन वायदा निभाना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये बोल व संकल्प मन की डिक्शनरी से ही समाप्त करना है। अब तो प्रकृति समय आप सब का आवाहन कर रहे हैं, आओ हमारे मालिक, आओ। समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। सर्वात्माएं भी आप विश्व रक्षक आत्माओं को रक्षा करो, रक्षा करो, शांति देवा, दया करो, ऐसे दिल से पुकार रही है। बोलो बच्ची, ये आवाज सुनने नहीं आता?
ओ आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपको, अब सबकी आशाएं पूर्ण करो। सदा यही अटल निश्चय रखो कि करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। यही मन और कर्म की राखी बांधो और बंधवाओ। ऐसे कहते बाबा जैसे सभी बच्चों के बीच चले गए और सबको देख देख बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि दे मिलन मना रहे थे। कुछ समय बाद हमने विदेश वालों की याद दी। बाबा बोले, बच्चे अच्छे याद और सेवा की लगन से उड़ते रहते हैं, उड़ते रहेंगे। सबको यही कहना कि सदा बाप के नैनों में समाते हुए नूरे रत्न जहान के नूर बच्चे हो। सभी को राखी की इन एडवांस मुबारक है। इसके बाद मैंने शांतिवन का समाचार सुनाया कि वायदे प्रमाण तैयारी कर रहे हैं क्रोध मुक्त और संपूर्ण होने की। तो बाबा बोले, जो बाप के प्यार में दिन रात लगन से सेवा करते, उन्हों को बाप दादा हिम्मत का प्रत्यक्ष फल रोज खिलाते हैं। अच्छी मोहब्बत से मेहनत का सबूत दे रहे हैं। फिर मैंने वर्गीकरण के सेवा की रिजल्ट सुनाई कि प्रोग्राम सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो विंग्स बने ना उसके क्या क्या सेवा चल रहे हैं बाबा को सुनाया दादी ने। बाबा बोले, वर्गीकरण के सेवा की विधि बनी बनाई विशेष आत्माओं के लाने की विधि है, इसलिए सिद्धि सहज मिल रही है। जो सेवा के निमित्त बने हैं उन्हों को आपसे पहले बाप दादा दिल खुश मिठाई खिलाते रहते हैं। मधुबन वाले भी अच्छे मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल वाले सब बच्चों को विशेष याद प्यार देना और सबसे ज्यादा मेरे मेरी सिरताज निमित्त दादी को बाहों में समाने का प्यार देना। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी बहुत अथक रूप से सेवा का पाठ बजाती थी ना, तो बाबा ने विशेष सिरताज निमित्त दादी को बाहों में समाते हुए प्यार दिया। जो निमित्त बन सबको उमंग उत्साह द्वारा आगे बढ़ा रही है। साथ में सभी दादियों मुख्य पांडवों को भी याद देना। ऐसे कह के दादी वतन से लौट आई। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। Thank you.
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलते हैं 3:30 से 4:30, और नेक्स्ट लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाप दादा की मधुर मुरली के लिए रात्रि क्लास रोज की तरह 9:15 बजे। शुभ रात्रि, ओम शांति।